तो गाइज़ मैंने अपना पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ माय व्लॉग अभी अभी स्केड्यूल किया है और जल्दी वो लाइव हो जाना चाहिए। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वेरी फर्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे सबसे पहले व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हमारी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हम अपने मॉर्निंग रिचुअल्स कर ले रहे हैं, जैसे कि हम सब करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों का आज वॉश किया है और उसके बाद जो ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी वो मैं पहन के रेडी हो चुकी हूँ। और अगर आप लोग रिकॉल कर सको गाइस, तो मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी ये ड्रेस पहनी है, जो कि सफ़र विद रुक्मिणी शर्मा के चैनल पे अपलोडेड है, जो कि सरोजनी की वीडियो है। जब मैं सरोजनी गई थी दिल्ली में, यस, तभी मैंने ये ड्रेस पहनी हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। और यस, मैंने आज फिर मेरे फर्स्ट व्लॉग में ये वाली ही ड्रेस पहनी है। तो अब हम निकल चुके हैं गाइस, जैसे कि आपने लोगों ने देख लिया होगा मेरे टाइटल में कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना गाइस, हमारे भी घर पे एक पढ़ाकू बच्चा है। तो यस गाइस, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उसे एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ने के लिए हम भी चले और साथ के साथ हम मंदिर भी हो आएंगे। तो इसीलिए गाइस, पहले हम मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद फिर हमने उसे उसके एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ा और फिर उसे साथ ही साथ अपने लेकर भी आ गए। तो क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर बहुत ज़्यादा दूर आया था और हमें इसीलिए उसे पिक अप और ड्रॉप दोनों करना पड़ा। तो यहाँ पे फन फैक्ट ये है गाइस कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। हम मंदिर पे आए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने दर्शन किए और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़े। वैसे आप टेंशन क्यों ले रहे गाइस, मैं आपको एनीवेज ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट पेशेंस करके मेरे ब्लॉग्स देखिए, इंजॉय कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और एक और चीज़ गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम शाउट आउट करूं इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डन इन द कमेंट सेक्शन। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा डन, मैं उसका नाम शाउट आउट करूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा
क्योंकि अब हमने उस पढ़ाकू बच्चे को उसके सेंटर पे छोड़ दिया है ताकि वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर सके, और हमें क्योंकि करना था 3 घंटे वेट उसे उसके एग्ज़ाम्स के ओवर होने के लिए, इसीलिए हम आ गए हैं गुरुद्वारा और यहाँ पर ही हम अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो बाय द वे गाइस, मैं आपको दिखा दूँ कि ये गुरुद्वारा बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल था, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था। तो हमने यहाँ पे ले लिया पहले प्रसाद और उसके बाद हम चले गए दर्शन के लिए। और यहाँ पे देखो, मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स लेने का ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। एंड देन उसके बाद हम जब दर्शन कर लेते हैं हम बाहर आ जाते हैं। एंड आप देखो गाइज, यहाँ पे लाइक इंटायर इन्वायरमेंट और पूरी जगह इतनी फ्रेश, क्लीन और पॉजिटिव है कि आपको आकर यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। इनफैक्ट गुरुद्वारे में आकर आपको अच्छा ही लगेगा बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट और द कल्चर दैट दे फॉलो। और अगर हम इस पर्टिकुलर गुरुद्वारे की बात करें तो इसकी अपनी एक मान्यता है, एक खासियत है जिसके लिए यहाँ पर लोग आते हैं और इस गुरुद्वारे को विज़िट करते हैं और अपनी मान्यता को मानते हैं। तो जो हमारे गुरु है, जो सिख के गुरु है, उनमें से एक गुरु का ये गुरुद्वारा है और सब आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो हम भी अभी जा रहे हैं दर्शन करने। और ये देखो, ये जो उस पढ़ाकू बच्चे की बहन है जो बहुत ज़्यादा खुश है, और ये उनकी माँ है, बेसिकली मेरी भाभी है और उनकी बच्ची है। ये देखिए गाइस, इतना सुंदर व्यू यहाँ से है। अब तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी है, मुझे तो लग रहा था कि कब से बारिश हो जाएगी और अब बारिश भी होने लगी है। वेल, मैं इंजॉय करती हूँ ये बारिश और ये मौसम। आप मेरे व्लॉग में बने रहिए टिल दी एंड। ये भाभी मेरा वेट कर रही है। वेल, आप गुरुद्वारा आओ और वहाँ का लंगर, यानी कि जो प्रसाद के तौर पर लंगर मिलता है गाइज, वो ना खाओ, ऐसे कैसे हो सकता है। इतना सुंदर और प्यारा वेदर और सीनरी इंजॉय करने के बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम आ गए सरोवर पे। तो हर गुरुद्वारे में आपको पहले घुसो सरोवर तो मिलता है जहाँ पे आप जाते हो, माथा टेकते हो और थोड़ा सा पानी जल अपने ऊपर भी डालते हो क्योंकि वो शुद्ध होता है। तो हम भी आ गए सरोवर में और हमने सरोवर के भी ऑफकोर्स मज़े लिए और हम वहाँ पर भी दर्शन किए हमने। और सरोवर में आने के बाद फिर हमने थोड़ा बहुत वहाँ की परिक्रमा भी की, परिक्रमा करते समय फ़ोटोज़ भी लिए थोड़े बहुत और वीडियोस भी, और मैंने तो एक दो रील भी बना ली वहाँ पे लगे हाथ। देख रहे हो नज़ारा कितना अच्छा है, मतलब अभी अभी बारिश हुई और बारिश होने के बाद ये धूप खिल गई। तो हमने गुरुद्वारा पूरा मोस्टली एक्सप्लोर किया और काफ़ी अच्छी वाइब्स है, और इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है जो कि मैं आपको बताऊंगी रिलेटेड टू गुरुद्वारा। तो यस गाइस,
फिर क्या था, उससे जुड़े हुए गुरुद्वारे के अंदर के पार्क में हम चले गए, और फिर उसके बाद हमने किए थोड़े बहुत फोटो सेशंस। अगेन हमने यहाँ पे एक दो रील्स बनाई, और उसके बाद फाइनली हमने जो लॉकर में अपने स्लीपर्स और चप्पल दिए थे वो हमने कलेक्ट कर लिए। और उसके बाद हमारा टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया था गुरुद्वारे को, क्योंकि उस पढ़ाते बच्चे की देख रहे होगे इतना ज़्यादा अच्छा वाइब्स है। फिर हम यहाँ से निकले और फिर हमने सब एक्सपीरियंस करके इस जगह को फाइनली डाटा बाय बाय किया।